अमरनाथ गुफा के पास फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किस तरह से एम्बुलेंस भी वहां पहुंच चुका है और एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है और जो लोग जख्मी हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पर लेकर जाया जा रहा है, उनको कैंप लेकर जाया जा रहा है और वहां पर फर्स्ट एड जो भी जरूरत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की वो उनको मुहैया करवाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर किस तरह से जो तमाम एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंचे हुए हैं और आपसी समन्वय देखिए, तालमेल देखिए, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्थानीय या फिर सेना के जवान हो, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब लोग मिलकर इसमें एक साथ प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। और अशरफ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बालटाल में मौजूद हैं जो आप सभी दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं। अशरफ, मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर एम्बुलेंस और अच्छी खासी संख्या उनकी है, किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है जो लोग जख्मी हैं? आशुतोष, ये तस्वीरें कुछ देर पहले हमने भेजी थी क्योंकि कई सारी करीब 30 एम्बुलेंसेज जो हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बालटाल और पहलगाम भेजी गई हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको अगर कोई घायल है या कोई चल नहीं पाता है उनको एम्बुलेंसेज की मदद से सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया जाए, तो उन्हीं की आवाजाही थी। लेकिन उनसे महत्वपूर्ण ये चश्मदीद हैं हमारे लिए क्योंकि इन्होंने पूरा ये मामला जो है अमरनाथ गुफा में कल 5:30 बजे देखा। इन्होंने आरती में कल भाग भी लिया, जो ही आरती खत्म हो गई उसके बाद बादल फटा और इन्होंने पूरा जो माजरा है वहां पर जो दिक्कतें लोगों को आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात खुशनसीबी इनके लिए भी है और हमारे लिए भी है कि ये सुरक्षित वापस आए। बिल्कुल, आप मुझे पूरा बताइए, जब ये बादल फटा क्या आवाज पहले किसी तरह की आई? और 10 से 15 मिनट बहुत जोर से बारिश आई, बहुत जोर से बारिश आई, उसके बाद में बादल फटने की बहुत जोर से आवाज हुआ, उसके बाद में जो ऊपर से मलबा आना चालू हो गया तो उसमें मतलब सब लोगों की भागदौड़ हो गई। कोई खाना खाते खाते भाग रहा था, कोई सोते सोते भाग रहा था, कोई तो सोया तो सोया रह गया, इतनी हालत बेकार थी। मतलब कितना पानी उस नाले में जो अमरनाथ गुफा के सामने से आता है जहाँ पर टेंट लगे रहते हैं, जो नीचे का जो नाला था वो लगभग लेवल से आ गया था वो टाइम पे। उसके बाद में 20 मिनट के बाद में थोड़ा धूप आया वापस, धूप आने के बाद थोड़ा ऊपर का जो मलबा आया वो रुक गया था। उसके बाद में आर्मी वाले ने बहुत हेल्प की, बहुत भागदौड़ की, उसके बाद में वहाँ पे एक एनडीआरएफ की टीम भी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में हमें रास्ते में भी एनडीआरएफ की टीम मिली। तो कोई इन लोगों के चेहरों पे दहशत साफ है जो कल इन्होंने देखा, तो वो साफ इनकी बातों और इनके इनकी बातचीत में सामने आ सकता है। आप मुझे बताइए आपने क्या देखा और किस तरह से आपकी जान बच गई? हम लोग वहाँ पे गुफा के पास खड़े थे, गुफा का जो गेट है वहाँ पे हम लोग खड़े थे, एग्जिट रेलिंग जो रहता है वहाँ पे ऊपर से हम लोग देख रहे थे नीचे क्या हो रहा है। बादल फटने की आवाज आई, नीचे पानी बह गया पूरा सारा, तो लोग इधर उधर भाग रहे थे क्या करे क्या नहीं। तो उस टाइम पे आर्मी वाले ने उनको बहुत हेल्प किए, उस लोगों को सेफली किया। लेकिन कितने लोग थे आपके टीम में और आप कहाँ से हैं? हम लोग महाराष्ट्र से, नासिक से है, मेरा नाम अनिल कहनार है और हमारे टीम में 11 लोग हैं। वैसे भी कोई महिला वगैरह नहीं, नहीं हमारे नहीं, नहीं, बाकी हमारे कुछ महिला वर्ग के बहुत हाल हुए, बहुत हाल हुए, बुरा हाल, क्योंकि मंदिर में भी वो टेम्परेचर डाउन हो गया सडनली और उनको ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और पूरा मंदिर में जो कोई मिलिट्री सेक्शन था पूरा नीचे गया था क्योंकि पानी का लेवल इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था, क्योंकि टेंट जो थे और भंडारा जो डायरेक्ट से बह गए, जैसे पत्ते की समान बह गए थे डायरेक्टली, और मंदिर का जो गुफा है उसके बाजू में से वो पूरा पानी नीचे, बिल्कुल अशरफ, बहुत तेजी से आया था। आपका नाम? मैं राम। आशुतोष जी, बिल्कुल आशुतोष, ये दरअसल ये उन चश्मदीद लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इस पूरी पूरे हादसे को और पूरी ट्रेजेडी को जो है अपने आंखों से देखा और कहीं ना कहीं अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि आप सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ वहां से जानकारी दर्शकों तक हम तक साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अशरफ वानी की एक रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचाते हैं जहां चश्मदीदों से उन्होंने बातचीत की, किस तरह की प्रतिक्रिया आई, क्या माहौल था, किस तरह का खौफनाक मंजर था, जरा देखिए और सुनिए। कहां पर थे आप उस वक्त? हम गुम्बा में दर्शन करके निकल रहे थे। अच्छा। और मेरा दोस्त लोग टेंट में था। अच्छा। जस्ट निकलेंगे। हाँ। माने शर्ट वर्ट पहन रहे थे। हाँ। तब एक तो माने पानी सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। हाँ। फिर पानी जोर से आया। हाँ। फिर एक तो धमाका हुआ। हाँ। माने जोर से बिजली चमक। हाँ। फिर छोटा छोटा पत्थर गिरने लगा तो टेंट वाला बोला भागो भागो भागो, तो हम लोग भी दौड़ गया, भाग दौड़ हो गया। फिर देखा बड़ा एक तो पत्थर आया, एक तो दो टेंट का लेकर चल गया। फिर रात भर आप चले यहाँ तक पहुँचे? हाँ, चले हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचे कितने सहमे हुए लोग, कितनी कैजुअलिटी हुई होगी, कितने मिसिंग है आपके अंदाजे? मेरा ही तो 10 बंदे गायब है। 20-30 मिसिंग है। हाँ, 30 लोग मिसिंग है। मिसिंग है तो आपके ग्रुप में से कोई मिसिंग? हमारे नासिक से 110 आदमी आए है। हाँ। उसमें से 90 आए, 20 मिसिंग है हमारे खुद के भी। हम उनकी राह देख रहे हैं। हम लोग का भी 10 मिसिंग है।
उसमें छह बंदे को फोन किया, वो लोग पंचतरणी है, चार अभी तक कोई लापता है।